हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम बेसिक टेक्निक्स के अंदर आगे नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन, इसी का पार्ट है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आपके लिए नया चैप्टर है, डेफिनेट सी बात है। ऑर्गेनिक का है, वेटेज 4% है और इसके अंदर ऑर्गेनिक की रिएक्शन आएंगी हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो आज के टॉपिक एल्केन आ गया। तो देखो हाइड्रोकार्बन में क्या पार्ट्स होते हैं, इसको ज्यादा ना डीपली मत लेना, ज्यादा सेंसेबल मत लेना कि मैं फटाफट और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कुछ नहीं है इस इंट्रोडक्शन में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, यही होता है ऑर्गेनिक का बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया भी था, याद है सब, मैंने डेफिनेशन दी थी यार। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद है सबको? यस सर, जिन्होंने किया हुआ है डेफिनेटली याद होगा ना। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन, उसके अंदर आता है एल्केन एल्कीन एल्काइन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये आपने नेमिंग में कर रखे हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन एंड एरोमेटिक। तो इसके अंदर हम करने वाले हैं एल्केन को। सबसे पहले एल्केन को बनाया कैसे जाता है, आपने एल्केन पढ़ लिया, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन एंड सो ऑन, इन सबको पढ़ने के बाद इनको बनाते कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द एल्केन्स। तो आज हम एल्केन्स की प्रेपरेशन करने वाले हैं, क्लियर है बेटा सबको? अब यहां आएंगी रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मुश्किल होती है, व्हाट आई एम सेइंग ध्यान से सुनना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मुश्किल होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आसान होती है। हम आसान वाली रिएक्शन ही करेंगे। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन बहुत कम होती है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन को याद करने में तकलीफ आती है, हमें लगता है कि हमें रिएक्शन याद नहीं होंगी क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हर एक रिएक्शन 3 बार लिखी होगी, कुछ मैकेनिज्म आएंगे बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है, वो भी आप 2 से जो हमने पढ़ा ना रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो किसी और चीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, कोई और केमिकल आएगा, कोई और मोलिक्यूल आएगा उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो वो होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो रिएक्शन, हर एक रिएक्शन 3 बार लिखकर देखनी है, हर एक मैकेनिज्म 3 बार लिखकर देखना है। पहली बार में अगर आपको देख कर ही रिएक्शन याद हो गई तब भी बोलूंगा, आगे और बहुत सारी आएंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिखकर जरूर याद करनी है। समझ में आ गया सबको? यस सर। वरना ऑर्गेनिक में आएगी 12th क्लास में जाते ही यूं लगेगा कि ऑर्गेनिक सबसे मुश्किल काम है, और फिर आप बोलोगे कि सर हमें पीछे वाली नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो अभी से करनी है बेटा, ध्यान से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ NOx। रिडक्शन का मतलब सीधा सा है भाई, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन या हैलोजन को रिमूव कर दो, ठीक है, या फिर ऐड कर दो हाइड्रोजन को, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, हाइड्रोजन ऐड करना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना, रिडक्शन से इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या एल्काइन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, बन जाएगा एल्कीन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तब 2 की जगह 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन गया तो एल्केन बन गया। यस, ये बात समझ में आया? यस सर। आगे रिएक्शन भी करेंगे, नो वरी, बस जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो एल्केन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ये है रिडक्शन। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड वाली एल्केन या ट्रिपल बॉन्ड वाली एल्काइन। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप, एसिड हैलाइड, है ना, CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन चेन लगी हो तो कीटोन होता है, हैलोजन लगाया अकेला, इन सबको हैलोजन हटा दो, ये ऑक्सीजन और एक्स हटा दो, ये COO का ये सब हटा दो, इनके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, CHO का ये हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, इसका ये हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो, तो रिडक्शन हो गया हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का, मतलब अदर ग्रुप्स का रिडक्शन करके भी ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? ये 2 चीजें हैं जो हम करेंगे। यार इसको याद करने की कोई ज्यादा झंझट वाली जरूरत नहीं है, ये बस समझने की, ठीक है, एक फिल्म टाइप में ट्रेलर है। आगे देखते हैं, यहां से है याद करने वाली चीज, ठीक है भाई। तो देखो हमें पता है कि रिडक्शन करके मतलब, अब मुझे ये बताओ इसके कलर वालर ठीक दिख रहे हैं कि आपको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये येलो कलर से दिखाया हुआ है? यस सर। यस सर, सबको क्लियर है ना? ठीक है, मुझे थोड़े थोड़े से धुंधले से नजर आते हैं। चलिए, तो फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन रिडक्शन, यानी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से, तो देखो भी कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी की वैलेंसी किससे कंप्लीट है, बाकी के सारे हाइड्रोजन लगा सकते हो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, याद रख लेना। तो हाइड्रोजन दे रहे हैं विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या हो सकता है, नीचे लिखा हुआ हाइड्रोजन, डायरेक्ट यूं थोड़ा कि आपने हाइड्रोजन बस इसको दे दी और ये ले लेगा, नहीं। तो देखो उसने क्या किया, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर सिंगल ऑलरेडी था तो यहाँ हाइड्रोजन थे ऑलरेडी, यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है,
ठीक है, या फिर ये कह रहा है हाइड्रोजन ना भी हो ये कार्बन की लंबी चेन हो सकती है, कितनी भी लंबी कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लंबी चेन हो सकती है, बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम उसको एल्केन थोड़ा बोलेंगे, वो तो एल्काइन हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर, है ना। तो फिर अब क्या करें, तो भाई मुझे ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के पहले मैंने डबल में कन्वर्ट किया, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इसकी भी एक, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। फिर उसके बाद मैंने फिर से हाइड्रोजन दिया, दो हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और फिर से दो दो हाइड्रोजन बन गए। और यहाँ आप कोई एग्जांपल लिखोगे अपनी तरफ से, यहाँ सी एच थ्री लगा सकते हो, सी एच थ्री लगा सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों तरफ सिर्फ एच भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। ये हो गया आपका एल्केन। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है जो हाइड्रोजन को जोड़ने पर विवश कर देता है? पैलाडियम प्लैटिनम, प्लैटिनम या पैलाडियम, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही प्लैटिनम पैलाडियम को दे सकते हैं। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। निकिल के साथ अगर ऐसा करेंगे, ये भी मेटल है, ये भी डाल सकते हैं, निकिल प्लैटिनम या पैलाडियम तीनों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। निकिल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद करना है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो भी मैटर मिले सब कुछ याद करें। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, ठीक है। और लिख लीजिए मेरे साथ साथ एक ही बार में, पहली बार देखो, पहली रिएक्शन याद करना आसान है, दूसरी याद करना आसान है, जब पांचवी छठी आएगी ना तो पहले वाली भूल जाओगे, बस ये प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा, प्लैटिनम पैलाडियम तो नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, निकिल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मांगता है, ठीक है, सेबेटियर एंड सेंडर सेंडर्नर्स रिएक्शन इसका नाम है, अगर निकिल के साथ करवाते हो, नेम है, याद कर लीजिए, नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है, बट एक बार पढ़ जरूर लेना। नेक्स्ट देखो, रैनी निकल, अब वो तो निकल था, निकल तो डायरेक्ट मेटल है, रैनी निकल क्या होता है, अभी फाइन ग्रेन्स ऑफ निकल एल्युमिनियम एट रूम टेम्परेचर, यानी हम इसको जनरली निकल ही मानते हैं बच्चे, ठीक है, रैनी निकल या निकल कह देते हैं, बट रैनी निकल जो होता है फाइन ग्रेन्स होते हैं निकल और एल्युमिनियम के एट रूम टेम्परेचर, मतलब यहाँ टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। अब फाइन ग्रेन्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत पतले पतले छोटे छोटे से एल्युमिनियम और निकल एलॉय के, उसको रैनी निकल बोलते हैं। इन तीनों में से प्लैटिनम या पैलाडियम रूम टेम्परेचर सीधा देगा, प्लैटिनम महंगी धातु है, महंगी मेटल, प्लैटिनम पैलाडियम दोनों ही, निकल भी महंगा है, ठीक है, रैनी निकल, तो देखो निकल की जगह रैनी निकल दें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट यही है, टेम्परेचर ना देना पड़े, है ना। तो ये इन तीनों तरीकों से हाइड्रोजन को दिया जा सकता है और ट्रिपल और डबल बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। सिंपल रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है, याद हो गई सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट देखो, एग्जांपल दिखा रहे हैं, इसने बोला सिर्फ डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, सीधा हाइड्रोजन निकिल प्लैटिनम पैलाडियम। अब ये ना कोई टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ नहीं बताएगा, ये यहाँ लिखना होगा तीनों में से कोई एक मेटल लिख दो तीनों में से, ठीक है, रैनी निकिल लिख दो, निकिल लिख दो 200 से 300 के ऊपर, ठीक है, या फिर आप प्लैटिनम या पैलाडियम लिख सकते हो। क्लियर है? अब निकिल दिखाया तो एल्युमिनियम नहीं दिखा रहा, इसका मतलब रैनी निकिल नहीं है ये, तो सीधा क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब दोनों की वैलेंसी एक एक कम हो गई, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों का जुड़ जाएगा। समझ गए? एग्जांपल क्लियर है? यस सर। एक और एग्जांपल दे दिया, प्रोपीन दे रखा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ना है अपने को, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना है, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाए, इसके साथ भी हाइड्रोजन लग जाए, ऑलरेडी लगा रखा है, ये सी एच टू हो गया, सी एच थ्री हो गया, यहाँ सी एच और सी एच टू। क्लियर है सबको? सेम रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये अकेला कार्बन था, दो हाइड्रोजन जुड़ गए, ये अकेला CH था, दो हाइड्रोजन दोनों तरफ दो दो, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा ना, तो दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे। ठीक है बेटा, आ गया सबको? आसान है? यस 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 सर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए फिर, बाय रिडक्शन विद, अब नेक्स्ट टाइप है ये, दूसरी रिएक्शन है, रिडक्शन कर रहा है रेड फॉस्फोरस और HI एट 150 डिग्री सेल्सियस। रेड फॉस्फोरस का मतलब ये नहीं कि फॉस्फोरस को लाल करते हैं गर्म करके, नहीं, ये फॉस्फोरस के टाइप होते हैं, व्हाइट वाइट फॉस्फोरस होता है, रेड होता है ना, तो लाल वाला फॉस्फोरस HI या फिर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये क्या करता है? तो भाई ये रिडक्शन करता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए नहीं है, अब ये हमारे डेरिवेटिव्स के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जरा, सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरफ आप R लगा सकते हो, कार्बन की चेन है, यहां पर क्या हुआ, OH उड़ गया, H लग गया, सबसे पहला काम रिडक्शन हुआ, H लग गया, क्या बना, एल्डिहाइड।
फिर क्या हुआ, अब एल्डिहाइड को फिर से रिडक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, अब ये ऑक्सीजन जो है OH में कन्वर्ट हो गया, फिर से रिडक्शन करवाएंगे दोनों तरफ HH लग जाएगा। और ये पूरी स्टेप एक एक करके सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा? पहले क्या होगा OH जो है H में कन्वर्ट, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट, फिर क्या होगा OH H में कन्वर्ट हो रहा था ना पहले, तो बाद में फिर से हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने यहां पर क्या कहा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है, ये वाला स्टेप है ना। अब आपको सारे आ जाएंगे, देखो ये वाला स्टेप है तो इसके बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ जहां पर लगा हुआ है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर OH क्या करेगा, OH यहां से उड़ जाएगा और फिर ये H में कन्वर्ट हो जाएगा, दो H लग जाएंगे, फिर बस बात खत्म। तो ये बन गया CH3, ध्यान दे लेना। तो आपको बीच वाला स्टेप लिखना है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये वाला स्टेप बनता है, फिर ये वाला फिर से रिड्यूस होगा तो फिर वो इसमें कन्वर्ट करेगा। तो ये एक प्रोडक्ट, अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें रेड फॉस्फोरस HI था ना, तो I2 भी बनता है, आयोडीन और वाटर रिप्लेस होता है। तो आपको ये पूरी रिएक्शन याद करनी है बाई प्रोडक्ट के साथ। हालांकि जिन बच्चों को लगता हो ठीक है कि बाई प्रोडक्ट जो है मुझे याद नहीं हो रहे, तो मेन प्रोडक्ट पहले जरूर याद रखिए, बाई प्रोडक्ट को जस्ट रीड कर लीजिए, बाद में वो याद हो सकता है। याद रहेगी मेरी बात, मेन प्रोडक्ट पहले याद करते हैं। मेन कौन से हैं, RCH3 I2, RCH3 हमारा मीथेन वाला एल्केन मेन है, I2 और वाटर को भूल जाओ, मत लिखो, कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट कभी कभी बाई प्रोडक्ट याद करने जरूरी होते हैं, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, याद रहेगी बात, जिसमें याद करने जरूरी होंगे उसमें मैं बता दूंगा। हालांकि बाई प्रोडक्ट भी याद है तो आपकी एबिलिटी टू लर्न बढ़ती है, तो कोशिश करो कि याद हो जाए, नहीं हो रहा तो पहले प्रोडक्ट जरूर याद। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो देखिए अब क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आर, वो था एल्डिहाइड, ये है कीटोन, तो कीटोन क्या होगा, कीटोन सीधा डबल बॉन्ड ओ है, पहले ओ एच में कन्वर्ट होगा फिर H2 लग जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बाई प्रोडक्ट खुद ही नहीं बताए, नहीं बताए ना, हम भी नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका तो हमने बताया था, ये लास्ट ये प्रोडक्ट बनता है, तो पहले वाली रिएक्शन सब कुछ बता देती है। और याद रखना बीच में आपको सबके साथ रेड फॉस्फोरस और HI लिखना है, ये वाला पार्ट सब में लिखना है, अभी ये बनेगा तो ये याद रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा इसने ये सब उड़ा दिया, कार्बन की सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट एल्कोहल, भाई एल्कोहल भी बीच में बना था, ये रहा एल्कोहल, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है तो एल्कोहल भी इसके साथ RH बना देगा। नेक्स्ट RI, एल्काइल हैलाइड, ये अलग रिएक्शन है RI वाली। बेटा माइक ऑफ रखिए, किसका माइक ऑन है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बेटा। देखिए ये अलग रिएक्शन है, बाकी सब सेम है, वो पहली रिएक्शन में कवर हो जाती है, इसमें सब कवर हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट लिख के सबको देखिए, ये अलग है, इसको अलग से याद रखना। एल्काइल हैलाइड R के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा है तब भी रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में क्या होगा, RH जुड़ जाएगा, RH। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखो जरा ध्यान देना, ये हो क्या रहा है, आप लोगों ने कभी अभी नोट किया, ये क्लोरीन है, ये फॉस्फोरस है, ये HI है, H यहां से आ रहा है, याद रख लेना। अगर आपको लग रहा होगी H कहां से आ रहा है, तो HI से H आ रहा है, ठीक है, याद रहेगा। इन दिस रिएक्शंस रेड फॉस्फोरस यूज्ड टू रिमूवल ऑफ I2, रेड फॉस्फोरस को रिमूवल ऑफ I2 जो आयोडीन बनता है, HI से H तो चला गया इसके साथ, तो जो I बचा वो I2 में, दो मॉलिक्यूल से I2 बनेगा, तो I2 को रिमूव करने के लिए रेड फॉस्फोरस का यूज, याद रहेगा बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन रिएक्शन सीखी है, दो रिएक्शन, एक पहले वाली होगी, टोटल तीन होगी, है ना, इस तरह से टोटल हमारे पास तीन रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना का माइक ऑन था, मैंने बंद कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ये हमने कर लिया अभी अभी, एल्डिहाइड और कीटोन, ये देखो यहाँ पर आया है एल्डिहाइड, ये रहा कीटोन, बट एटलीस्ट कोई बात नहीं, यहाँ अलग तरीका दिखाया होगा इन्होंने, है ना, कहां पर गया भाई, ये रहा। तो देखो इसमें एक नेमिंग रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड नेमिंग रिएक्शन,
रिएजेंट बदल जाएंगे, हमेशा रेड फॉस्फोरस और आईडी एचआई थोड़ा यूज करना है। तो यहाँ क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द रिएजेंट, पता है किसी को रिएजेंट क्या होते हैं, किसी को डेफिनेशन पता है रिएजेंट की? एनीवन? बेटा सुन रहे हो मुझे? यस। ठीक है, किसी को पता है तो बताइए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। रिएजेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है, देखो अब बता देता हूँ। चलो ठीक है, हमें पता है रिएक्टेंट होते हैं कुछ, रिएक्टेंट मान लो पहला रिएक्टेंट है प्लस दूसरा रिएक्टेंट है कोई, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, समझ आ गया बेटा? तो दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट वन है, ये रिएक्टेंट टू है, दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन दोनों में से जो पहले अटैक करता है, अटैकिंग, सोचो कि मान लो ये अटैक करता है, ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज है ये, अटैकिंग यानी के ये मोर रिएक्टिव है, इसको मैं लिख सकता हूं ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, पहला रिएक्टेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो अटैक यही करेगा फिर, है ना, शुरुआत यही करेगा, ये नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिएजेंट। यस बेटा, याद रहेगा रिएजेंट? यस सर। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, जो लेस रिएक्टिव है। समझ में आ गया सबको? तो रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो मतलब अपने नाम के लिए जाने जाते हैं कि उनको किसी में भी डाल दो तो हल्का मचा देंगे रिएक्शन में, तो उनको हमने पर्टिकुलरली पक्के वाला रिएजेंट ही कह दिया कि भाई इनको तो यूज इसलिए किया जाता है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, वरना इनका कोई काम वाम नहीं है। और कई बार रिएक्टेंट में ही दो चीजें होती हैं, तो एक रिएजेंट की तरह काम करता है, वो रिएक्शन को शुरू करवा देता है, तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन को शुरू करवाने वाला रिएक्टेंट होता है रिएजेंट, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो कम होता है उसको सब्सट्रेट बोलते हैं। यस, क्लियर है? ये तो जनरल सी बात है, yes, sir. इसमें कुछ आनी जानी है नहीं, इसको सीरियस नहीं लेने का कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बस रिएजेंट वर्ड याद रख लेना कि जो अटैकिंग स्पीसीज होता है वो रिएजेंट होता है, बस। तो यहां पर देखो भी इन्होंने बोला जिंक और मरकरी को यूज करो और कंसंट्रेटेड एचसीएल को यूज करो ताकि वो अटैक करके रिएक्शन शुरू करवा सके। तो जिंक, मरकरी, कंसंट्रेटेड एचसीएल, ये है हमारा रिएजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन में, ठीक है। सीएल लगा हुआ है तो एचसीएल यूज होगा, यहां से याद रख सकते हैं सीएल से एचसीएल, क्योंकि अभी एक और रिएक्शन आएगी ऐसी, उसमें भी यही होता है। फंक्शन क्या होता है, अभी एल्डिहाइड एंड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक कीटोन है, ये रहा कीटोन, सी डबल बॉन्ड दोनों तरफ, हमने क्या किया, इसको हीट किया कंसंट्रेटेड एचसीएल और जेडन एचजी के साथ, क्या हुआ, इसका डबल बॉन्ड टूट गया, सारे हाइड्रोजन जुड़ गए कार्बन के साथ, तीन ही कार्बन रहेंगे, तीनों कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है, बाकी सब हाइड्रोजन है, होगी रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन सीओ इज कन्वर्टेड टू सी एच टू मिथाइलिन, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये रिएक्शन याद रखें। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? Yes, ठीक है, सिंपल था, क्लेमेंसन में HCl यूज होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो वोल्फ किसनर रिडक्शन, ये भी नेमिंग है, नेम वाली रिएक्शन है, आपको याद रखनी है भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए जरा रिएजेंट इसमें क्या होता है, इसमें होता है NH2NH2OH, बेस यूज होता है इसमें, ठीक है, उसमें HCl यूज हो रहा था तो क्लेमेंसन, CL से शुरू था नाम, ठीक है। वोल्फ किसनर VWO OH लगेगा इसमें, उसमें सीएल था, इसमें OH लगेगा, ऐसे करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों का काम तो एक ही है, ठीक है। तो ये यूज होता है इसमें बेस, ठीक है, तो भाई पहले NH2 NH2, फिर OH नेगेटिव आयन, बेस यूज होता है, बाद में इसमें यूज करते हैं हम ये वाला, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल नाम है इसका, नहीं भी नाम मत याद करो, मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे, CH2 CH2 OH OH लगा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा बेटा, बस याद रख लेना, नाम की जरूरत नहीं है, या लिखू नाम बोलो, टेंशन में हो गया ऐसे ही, है ना, हमें अभी धीरे धीरे स्टार्ट करना है, बाद में जब रिवाइज करोगे तब इसका नाम वैसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। अल्कोहल्स करे होंगे, अल्कोहल में इथाइलिन ग्लाइकोल नाम आया होगा भाई, कॉमन नेम सच आया था ना, तो लिखा जा सकता है इथाई
lean glycol. ठीक है, याद रहेगा नाम. इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका नाम भले ही मत याद करो, नहीं लिखता यार. ये है मेन हमारा, ये है NH2NH2. ठीक है, ये है NH2NH2, हाइड्राजीन बोलते हैं इसे, प्लस बेस. उसमें एसिड था, वोल्फ किसनर में बेस है, और जो क्लेमेंसन उसमें एसिड है. ठीक है, एसिड के साथ क्लेमेंसन में जिंक और मरकरी था. ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा. अब देखो फंक्शन क्या, एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करो, उसका भी यही फंक्शन था. ये रहा कीटोन, कीटोनिक ग्रुप है, यूज करेंगे सीधा ये. इन्होंने देखो यहाँ ग्लाइकोल बताई नहीं रखा है ना, हम भी नहीं बता रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ ग्लाइकोल की जगह तो ये चलेगा सीधा. ये नाइट्रोजन इसमें बाई प्रोडक्ट होता है. अब याद रखना, पीछे वाले में बाई प्रोडक्ट दिखा रखा था उसने, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं दिखाया. जिंक ऑक्साइड बन रहा हालांकि उसमें, है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन बन रहा है. नाइट्रोजन काम का प्रोडक्ट है. ठीक है, NH2 क्या करते हैं, अपने दोनों हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, ये वाले भी दोनों हाइड्रोजन दे देते हैं. अब एक ही मॉलिक्यूल को थोड़ा देंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पर 2-10,000 कितने भी हो सकते हैं ना, उन सबको डोनेट कर देते हैं, नाइट्रोजन बचता है. कन्वर्टेड टू CH2, यहाँ पर भी वही बात लिख रखी है, याद रहेगी भी ये रिएक्शन. यस सर. वोल्फ किसनर. ठीक है, अब देखो रिएक्शन बढ़ जाती है तो पहले वाली रिएक्शन अब याद आना मुश्किल हो जाएगा, है ना. अभी मैं कह रहा था कि हम इसको छोटा सा वो करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे. ठीक है, और जितनी रिएक्शन हैं ध्यान से याद करनी पड़ेंगी. थोड़ी सी रिएक्शन याद करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे. तो शुरू वाली रिएक्शन है सब. अब देखो भाई, रिडक्शन टू ऑफ हैलाइड्स, अब मुझे सब याद है. ठीक है, हमें तो बहुत सालों के पढ़ाते हुए, मैंने तो बहुत नई बहुत सारी देख रखी है, बहुत सारी याद है. कुछ कुछ बीच में हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, वी आर ह्यूमंस नॉट द गॉड. लेकिन आपके लिए तो पहली बार में ये बहुत मुश्किल लगेंगे आपको, है ना, सॉरी मिक्स हो जाएंगी, मुझे पता है. इसलिए आज हम, वैसे भी हम थोड़ा लेट हो गए थे तो लेक्चर को छोटा बनाएंगे. ठीक है, तो देखो भाई, RX जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. RX अल्काइल हैलाइड में कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, वो RX में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे? जिंक के साथ HCl, टिन के साथ HCl, आयरन के साथ HCl, जिंक के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटल प्लस एसिड, किसी भी चीज के साथ. अगर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, तो मेटल के साथ एसिड डाल दो. ठीक है, कौन कौन से मेटल? जिंक, टिन, आयरन, टिन और फिर से जिंक है. और एसिड कौन सा? HCl या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड. जिंक के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी चलेगा. ठीक है, अब ये सारे आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. इनमें से कोई भी हो, जिंक के साथ, टिन के साथ, या आयरन के साथ, या इनके साथ, सब के सब क्या करते हैं? रिडक्शन करवाते हैं. जिंक, टिन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो कैसे रिडक्शन करवाते हैं? जिंक ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, टिन भी इसको इलेक्ट्रॉन देता है, आयरन भी इसे देता है, जिंक ये तो देगा ही देगा ना. तो जिंक ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करें. तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, ये छोटा हो गया जिसने लिया, और ये बड़ा बन गया, डोनेट करने वाला बड़ा हो जाता है. तो ये सब मेटल प्लस एसिड, अगर ये डालते हैं हम, तो एसिड क्या करेगा? एसिड के साथ मेटल जुड़ा जाएगा, ZnCl बना देगा. ठीक है, और अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा जो R ले लेगा. ठीक है, ऐसा होता है. एग्जाम्पल देखिए, जिंक HCl के साथ यहाँ क्लोरीन लगा है, नीचे वाली रिएक्शन में भी क्लोरीन लगा है, ये दोनों क्लोरीन उड़ गए और इसकी जगह हाइड्रोजन लग गया. HCl से हाइड्रोजन आया, या कार्बोक्सिलिक एसिड के H से आया. यस, याद रहेगी ये रिएक्शन? यस सर. शुरू की स्लाइड देखते ही तो हमें मजा आ जाता है, ऐसा लगता है सारी रिएक्शन याद होगी, लेकिन जब हम बाद में याद करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी रिएक्शन मिस कर रहे हैं. चलो, तो पहली, हम फिर से पहली स्लाइड से याद करते हैं, क्या था पहली स्लाइड में? एल्कीन या एल्केन था ना, उसके साथ क्या करते हैं हम? यस सर, निकिल, प्लैटिनम, पैलाडियम, इनके साथ में हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट देंगे तो बन जाएगा. ठीक है, पहली रिएक्शन हो गई. दूसरा क्या था? एल्कीन से बनाना, उनके डेरिवेटिव से बनाना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, उनके डेरिवेटिव से बना रहे थे. तो क्या करें? रिडक्शन करें, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन करवा दो, तब भी क्या होगा? R, और ये जो कार्बन है इसके चारों तरफ H लगा दो, बस कुछ नहीं करना. ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्लियर है? यस सर. यस सर. तीसरी रिएक्शन हमने क्या की? क्लेमेंसन रिडक्शन की थी, क्लेमेंशन रिडक्शन. तो इसमें क्या किया? रिडक्शन ही कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? क्या था भाई क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारा प्रोडक्ट? तो ठीक है, यही बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, CHO ग्रुप हो, चलो इसको ऐसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इधर कुछ भी लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं. तो क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है? हमारा
वो क्या था, Cl मैंने बोला HCl होगा, जिंक मर्करी के साथ HCl होगा, है ना, HCl अगर होगा तो देखो ये HCl कब यूज होता है पता है? अब इसमें ना स्पेशल चीज है, ये यहाँ नहीं आपको 12th में सीखने को मिलेगी, इसका रीजन बताते, थोड़ा सा आपको ना हेल्प हो जाएगी। तो HCl क्यों यूज करते हैं, अगर हम OH यूज कर लें, मतलब क्लेमेंसन की जगह पर वोल्फ किसनर यूज क्यों नहीं करते, कोई भी यूज कर सकते हो, पर कई बार क्या होता है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बेस के लिए सेंसिटिव है, बेस के लिए सेंसिटिव है, तो क्या डालें, एसिड के लिए नहीं होगा, जो बेस से रिएक्शन कर सकता है वो एसिड से तो नहीं करेगा, HCl एसिड, तो क्या करवाएं, क्लेमेंसन रिडक्शन। यस क्लियर है बेटा, समझ गए कि दो दो, हाँ बताता हूँ बेटा, देखो दो दो रिएक्शन है अपने पास, दोनों क्लेमेंसन। आप कहेंगे सर सारी रिएक्शनों में बन तो एक ही रहा है, तो फिर एक ही करवा दो ना, हम हर बार रेड फास्फोरस और एचआई यूज कर लेते हैं, बेशक बेटा, लेकिन कई बार रेड फास्फोरस और एचआई हमारी रिएक्शन की किसी और पार्ट के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो कोई और तरीका अपनाएंगे। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ इन दोनों में से, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन सबके सब रिडक्शन कर लेते हैं, सबको रिड्यूस कर देता है रेड फास्फोरस और एचआई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको हाइड्रोजन देके चला जाता है, बट क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगी, नहीं करेगी, वो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन को करेगी, ये बात भी याद रखिएगा। अब मैंने बोला इसमें एचसीएल यूज होता है, मान लो कि किसी एल्डिहाइड के अंदर कोई एल्डिहाइड जो है वो बेस से रिएक्शन कर लेता है, बेस से, तो मैं क्लेमेंसन रिडक्शन करवाऊंगा क्योंकि उसमें एसिड होता है, बेस नहीं होता। अगर अब दूसरा लें, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, अब ये जो कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन दो लगा दो, ऑक्सीजन को हटा के बाकी दो वैलेंसी, ऐसी कैसे है। लेकिन अब चौथी रिएक्शन क्या थी, वोल्फ किसनर थी, ठीक है, वोल्फ किसनर में क्या होगा, इसके अंदर हमने कहा था बेस यूज होता है ना, तो NH2 यूज था, अब देखिए जरा NH2 और इसके साथ OH है ना, ये यूज होता है, और क्या है हमारे पास यहाँ पर, वही है एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होता है, इसमें बेस है, मतलब अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो एसिड सेंसिटिव है, एसिड डालोगे तो उसका कोई दूसरा, मान लो यहाँ कार्बन की चेन है और ये वाला पार्ट जो है इस कार्बन की चेन का, ये एसिड से रिएक्शन कर लेता है, तो क्या करूं, ये वाली रिडक्शन मुझे तो सिर्फ इस पार्ट पे रिएक्शन करवानी थी, मेरी तो कार्बन की चेन के साथ बैंड बच जाएगी इसकी, HCl इसको नहीं छोड़ेगा, तो मैं क्या करूं, बेस डाल देता हूं, तो मैं वोल्फ किसनर करवाऊंगा, समझ में आया, प्रोडक्ट दोनों का सेम ही बनेगा, दोनों के साथ एच लगेगा और बाकी की वैलेंसियां इधर और इधर, कार्बन की चेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, क्लियर है बेटा, यस सर, चारों रिएक्शन समझ में आई, एक साथ चारों लिखोगे एक ही विंडो में दिखाई देंगी, मजा आ जाएगा, याद हो जाएंगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सब याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाली ये जो हमने कर रखी है, इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ हैलाइड है ना, तो इसके अंदर क्या करोगे, मेटल प्लस एसिड, कौन सी मेटल, जिंक मेटल HCl, ठीक है, जिंक के साथ टिन लगा सकते हो, आयरन लगा सकते हो, ठीक है, तो टिन आयरन जिंक ये सब HCl के साथ, या फिर जिंक को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी यूज कर सकते हो। हाँ भाई क्लियर है यहां तक, यस सर। और yes, ये sir. क्या करती हैं? ये एल्डिहाइड कीटोन को नहीं करती, ये अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करती हैं, अल्काइल हैलाइड को, याद रहेगा, एल्केन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसको कन्वर्ट करती हैं, तो देखो ये चीज भी याद रखनी कि रिएक्टेंट किसको कन्वर्ट किया, एल्केन के साथ जो हैलोजन लगा उसको कन्वर्ट करती है, तो इस तरह से आपकी ये पांचवी रिएक्शन बनती है, हिसाब से इन्होंने तो फोर्थ ही देर की, लेकिन मैंने उसको पांच में कन्वर्ट कर दिया, सोचो आपको भी वैसे ही अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बनाने हैं, सबको याद करना है, अलग तरीके से याद करना है, हो जाएगा बेटा, क्लियर है सबको, यस सर, ठीक है, यस सर, अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, रिएक्शन ऑफ, अब दूसरे नंबर पर आ गया, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद सोडियम, अगर हम वही एल्काइल हैलाइड लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नेमिंग रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, अगर हम एलाइड, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, याद रखना, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, अगर हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवा दें सोडियम के साथ, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स, ठीक है, तो ये नेमिंग रिएक्शन है, ज्यादा नहीं करवाऊंगा आज, इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूंगा इसे, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इनको याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे सर तो बहुत फास्ट भाग रहे हैं, ठीक है, तो भाई लेकिन देखो पांच छह रिएक्शन याद करना पहले लेक्चर में, दैट्स नॉट द बैड डील, है ना, क्लियर है, अब अगर ये भी याद नहीं करोगे और आप लोग मतलब इनको भी छोड़ दोगे और लिख कर नहीं देखोगे, फिर तो कुछ ऑर्गेनिक आएगी नहीं कभी भी, लेकिन देखो हम 10-10 रिएक्शन भी याद करें, उनको बार बार लिखें, तीन बार मैंने लिखने के लिए बोला, यू शुड हैव टू गाइज प्रोमिस मी कि आप इनको तीन बार लिखोगे, वरना आप ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं हाँ हाँ करता रहूंगा, आप भी हाँ हाँ करते रहना, और बस ऑर्गेनिक का बेड़ा गर्क,
हाइड्रोकार्बन इज द लास्ट लेसन ऑफ द केमिस्ट्री फॉर 11th क्लास, याद रख लेना, इसको ध्यान से प्यार से करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन होगी, लॉट्स ऑफ रिवीजन हम लोग आप लोगों को क्रैश कोर्स में डालने वाले हैं 20 तारीख के बाद। तो मैं भाई क्रैश कोर्स में भी हाइड्रोकार्बन ही पहले करवाऊंगा, तो आज और कल सैटरडे को आपका टेस्ट की रिवीजन वगैरह होगी, तो आज और कल में आप लोग सोच सकते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी रिएक्शनों का टच लेंगे, है ना। क्लियर है बेटा? यस सर। वुड्स रिएक्शन अभी लिख के देख लो, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से हैलोजन हट जाएगा, यहाँ एच लग जाएगा, हमने यही किया बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो एल्काइल हैलाइड होंगे और इनके जो X हैं, ये देखो ये दोनों X दो सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब मान लो अगर ये क्लोरीन होता, यहाँ क्लोरीन होता, तो दो क्लोरीन दोनों सोडियम के साथ दो NaCl बना देंगे, है ना, और R आपस में जुड़ जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस इन वुड्स रिएक्शन। और पहले वाली रिएक्शन में क्या था, एल्काइल हैलाइड ही है, एल्केन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इस क्लोरीन को हटा के एच जुड़ गया, बट वहां ऐसा नहीं हो रहा है, क्लोरीन तो हटेगा बट दूसरे कार्बन की चेन से जुड़ जाएगा, वो एच नहीं जुड़ेगा, यहाँ एच नहीं जुड़ रहा, सोडियम सीधा। क्लियर है? जैसे देखो क्लोरीन है, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ड्राई इथर, सोडियम के साथ पानी यूज मत करना, सोडियम पानी से रिएक्शन कर लेगा, वरना एल्काइल हैलाइड के साथ पानी नहीं, ड्राई इथर, तो ये हमारा सोलवेंट है, ड्राई इथर का मतलब प्योर इथर विदाउट पानी वाला। क्लियर है? तो देखो भाई CH3, अब देखो इसने यहां तो लिखा, अब ये बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, यहां तो लिखा सिर्फ CH3Cl और यहां लिख दिया दो बार CH3, तो यहां आप दो लगा दो, ठीक है बेटा, तब आपको इजी हो जाएगा, यहां भी दो लगाएंगे तो प्लस में क्या बचेगा, दो NaCl, ठीक है, सिंपल हो गया। अब सेम ये है, तो देखो ये वाला पार्ट दूसरे ऐसे ही पार्ट के साथ जुड़ जाएगा और प्लस में क्या, दो NaCl आ जाएगा, ठीक है। यस सर, है ना, सिंपल एज सिंपल, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन है भाई। तो देखिए यहां तक हो गई वुड्स रिएक्शन, तो पहले इनको मुझे लगता है कि याद कर लिया जाए, है ना, सभी रिएक्शंस को मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, पहले से, और अगर ये सारी आपके दिमाग में आ गई तो हम फिर एक दो रिएक्शन और कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये है पहली रिएक्शन हमारी, है ना, निकल पैलाडियम और प्लेटिनम, इन तीनों मेटल्स के साथ में अगर हाइड्रोजन को डायरेक्ट देते हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगी, यानी एल्केन या एल्कीन से रिएक्शन बनाएंगे। रेनिनिकल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम के साथ फाइनली डिवाइडेड फाइनल ग्रेन्स होते हैं रेनिनिकल, और निकल अकेला यूज करोगे तो 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाँ, स्टेबियर रिएक्शन या सेंड्रन रिएक्शन बोल देंगे, लेकिन ये पहले यूज होती थी, अभी हम फाइनली डिवाइडेड निकल ही यूज करते हैं, रेनी निकल, ताकि हमें टेम्परेचर ना देना पड़े, हर एक रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर ना देना पड़े, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली फायदा भाई, गर्म करने के लिए एनर्जी लगती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी चीज को बड़े लेवल पर बनाना हो तो एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगी, है ना, तो ये वजह होती है। तो ये सीधी सबको समझ में आ गई, याद होगी, मैं सबसे सुनने वाला हूँ, जो भी बच्चे हैं एक एक करके अगर अभी सुना देंगे और फिर लिख कर देख लेंगे, सिर्फ सुनाने से बात नहीं बनेगी, लिख कर देख लेंगे तो आ जाएगी, लिख लो नोटबुक में अभी फटाफट। नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल किए और कुछ नहीं किया हमने, है ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ मैंने एक डबल बॉन्ड तोड़ रखा फालतू में, इसको मैं वापस कर, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ रहा है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी है टूटेगा सीधा, और इनको सीधे एग्जाम्पल है, नथिंग स्पेशल। इस स्लाइड में हमने एक और चीज की थी, RI एल्काइल हैलाइड को रेड फास्फोर से करते हैं तब भी ऐसा हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा कर सकता है, एल्डिहाइड भी कर सकता है, कीटोन भी कर सकता है, है ना, और ये सारे के सारे क्या होंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखा रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्काइल हैलाइड, सब के सब। अब ध्यान देना, इसमें रेड फास्फोरस जो है सबको वो दे देता है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रेड फास्फोरस क्या तोड़ता, वो नहीं तोड़ेगा, ठीक है, तो यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो निकल के साथ में रिएक्शन, निकल प्लेटिनम या पैलाडियम के साथ, और अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो, कोई भी डेरिवेटिव हो, रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करवा दो। क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरी बार याद करवा रहा हूँ, याद करो याद, आई वॉन्ट एवरी रिएक्शन आप लोगों से सुनने वाला हूँ अभी मैं, ठीक है, तीसरी बार देखते हैं अब इसको जरा। अब रिएजेंट क्या होता है, जो पहले अटैक करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं, होता वो रिएक्टेंट ही, दूसरे वाले को सब्सट्रेट बोल देते हैं, बस बात खत्म। क्लेमेंसन रिडक्शन, अब इसके बारे में तो हमने बात की ना, एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की स्पेसिफिक रिएक्शन है,
क्लेमेंसन सीएल से शुरू होता है, सीएल एचसीएल में होता है, तो जो एसिड डलता है इसमें, है ना, जिंक मरकरी के अमलगम के साथ। मरकरी किसी भी मेटल को अगर अपने अंदर घोल लेती है, मतलब कोई गर्म मेटल लिक्विड फॉर्म में, मैंने मरकरी लिक्विड ही होती है, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ठंडा हो गया, वो सॉलिड बना देते हैं क्योंकि दूसरी मेटल सॉलिड थी, तो उसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम का मतलब है मरकरी मिक्स्ड विद अनदर मेटल, अमलगम, याद रहेगा ये। जैसे बलगम, जैसे बलगम होता है ना, वैसे अमलगम है, मरकरी सबके साथ बलगम बना देती है, उसको अमलगम बोलते हैं, वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो भाई इसको, इसलिए मैं इसको बोल रहा था जिंक मरकरी का अमलगम, है ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड एचसीएल होगा, डेफिनेट है, क्लेमेंसन एचसीएल है, और ये क्या करेगा, एल्डिहाइडिया कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, सीधी बात। तो एल्डिहाइडिया कीटोन का एग्जांपल, एग्जांपल लिख कर देखेंगे तभी मजा आएगा, रिएजेंट भी बीच में लिखिएगा और उसके बाद में प्रोडक्ट भी लिख कर देखिएगा, तभी आपको वो आएगा। नेक्स्ट वोल्फ किसनर है, वोल्फ किसनर क्या करता है, इसमें रिएजेंट बेस हो जाएगा बस, और ये NH2 डाई डबल अमोनिया ना, हाइड्रोजन बोलते हैं वैसे से, डबल अमोनिया NH2 NH3 को दो बार NH2 में जोड़ दो। तीसरा, तो ये भी एल्डिहाइडिया कीटोन को कन्वर्ट करेगा, बस सीधी सी बात है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न दैट वन। आगे देखो हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड, वैसे अल्काइल हैलाइड रेड फास्फोरस से भी ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहां पर इन्होंने एक और बताया रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी मेटल को, जिंक टिन एसएन टिन होता है, आयरन या जिंक को कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करवा सकते हो, वरना इन सबको एक्सएल के साथ रिएक्शन करा दो, मेटल प्लस एसिड, और क्या हो जाएगा भाई, सीधा एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से रिडक्शन, सोडियम के साथ, सोडियम दो आर की चेन को जोड़ देता, हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं देता ये, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है, कि कोई एचसीएल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये दोनों आर जुड़ जाएंगे, मतलब आरएक्स आरएक्स, इनके दोनों एक्स जो है वो सोडियम ले जाएगा और ऐसा हो जाएगा। यस क्लियर है बेटा, याद हो गई, कितने बच्चों को याद हुई अब मुझे ये बताइए, है कोई ऐसा जिसको याद हो गई हो, अभी देख कर लिख भी लीजिए मेरे साथ साथ, कोई बात नहीं, याद नहीं हुई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या एक या दो रिएक्शन और करवा दूं या फिर यहीं पर एंड करूं, नाउ द चॉइस इज योर्स, क्योंकि हम इसे डिटेल में करने वाले हैं, नो वरी अबाउट दिस, लेकिन सबको आनी चाहिए ये रिएक्शन में, ये मुझसे प्रॉमिस, मुझे ये चाहिए कि सबको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर याद कर लेना, ये याद नहीं करेंगे बेटा तो वो अच्छी बात नहीं होगी। अभी जय बेटा, आर यू हेयर अभिजय, अभिजय सो गया भाई, सबको समझ में आ गई, अब मुझे आप लोग चॉइस बताइए, वोटिंग कीजिए, जो चाहता है कि भाई आगे करवाऊं तो हैंड रेज कर दो, जो नहीं चाहता तो रहने दो, फिर हम गुड नाइट बाय बाय कर देंगे सबको, जल्दी बता दो, एक दो रिएक्शन ही करवाऊंगा, यूं नहीं कि 10 करवा दूंगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मैंने दो बार रिपीट करवा दी, तब आगे हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो खुद ही याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करेंगे, पहली बार याद करो तो दिमाग को थोड़ा टाइम लगता है, बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो बेटा जी, कोई नहीं चाहता, मतलब किसी ने हैंड रेज नहीं किया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना ही करेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब बात बताते हैं भाई, तो आगे वाली थोड़ी सी रिएक्शनों की झलक दिखा देता हूं, और कुछ नहीं करता मैं, यहां पर नोट लिख रखा है कौन कौन पहले रिएक्ट करता है, ठीक है, मिक्स्ड भी बनती है, फिर फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, दोनों नेमिंग है, फिर कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये भी नेमिंग है, ठीक है, फिर सोडा लाइम रिएक्शन है, डीकार्बोजाइलेशन बोलते हैं इसको, ये नेमिंग नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है। फर्दर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक बहुत अच्छा रिएजेंट, इससे बहुत सारी रिएक्शन होती है, इससे होगी, फिर उसके बाद में मेटल कार्बाइड से रिएक्शन होती है, फर्दर बस खत्म, ठीक है। यही सारी प्रेपरेशन रिएक्शनें हैं जो आपको एल्केन्स की करनी है, तो मतलब जितनी अभी की हैं इतनी ही और हैं, इतनी रिएक्शनों से एल्केन खत्म, व्हाट आई एम सेइंग, एल्केन खत्म, इसकी रिएक्शनें खत्म हो जाएंगी प्रेपरेशन की। अब प्रिपेयर तो कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद इससे कुछ और बनाया जा सकता है, तो उनकी केमिकल रिएक्शनें भी करेंगे, इतनी ही और जितनी है ये, इतनी और केमिकल रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद एल्कीन हो जाएगा खत्म, फिर करेंगे एल्कीन, फिर करेंगे एल्काइन, फिर करेंगे बेंजीन के डेरिवेटिव, ठीक है। अरे बेटा ऐसे मत कीजिए आप लोग, मैंने सिर्फ इतनी सी रिएक्शन, यार ये सारी एक जैसी है, मान लो मेरी बात, बड़ा मजा आएगा करने में, एक बार आ गई तो, इसलिए तो कम करवा रहा हूं आज,
ठीक है, बस इतनी याद कीजिए, आप आगे की मत सोचिए, इतनी याद कीजिए, मेरा यकीन मानिए। अरे इलेवेंथ में तो छोटा सा लेसन है, छोटू सा, ट्वेल्थ में ऐसे ऐसे चार लेसन आएंगे, ऐसे ऐसे चार, तब कहां जाओगे आप लोग, और जबकि बच्चों को सबको याद होते हैं, है ना। तो समझने वाली बात है, जब सबको याद होते हैं तो आपको क्यों नहीं होंगे भाई, सब आपके जैसे ही तो हैं, बट पहली बार में जोर लगता है इसलिए मैं आपको कम करवा रहा हूँ, है ना। 10 रिएक्शन याद कर लो, कुछ और कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर एक बार लास्ट में पोलर नॉन पोलर समझा देना, ट्रिक सा की लाइफ में लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। पोलर नॉन पोलर, अरे यार ट्रिक की जरूरत ही नहीं। चलो ठीक है, पोलर नॉन पोलर समझा देता हूँ। देखो ट्रिक कुछ नहीं है उसमें, क्या है पोलर नॉन पोलर में, जरा देखो। पोलर का मतलब पोल, पोलर से याद रखो पोल, ठीक है। पोल, पोल क्या होता है, खंबा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पोलर का मतलब आप डाई पोल समझ सकते हैं, एक्चुअल में इसको डाई पोल से लो। डाई पोल का मतलब दो चीजें हैं, दो पोल हैं। कौन कौन से पोल हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, ठीक है। समझ में आ गया भाई, पोलर मतलब पोल्स, दो पोल्स, दो पोल मतलब एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, याद रहेगा। माधव बेटा क्लियर है ये बात? यस सर। बस यस सर, आगे समझ लो, आपको आ गया। तो जब कोई मॉलिक्यूल लाइक HCl मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये जो बॉन्ड बनाया ना क्लोरीन ने, ये कहता है तो है कि मैंने शेयर किया है, कहता है बस, लेकिन असलियत में क्लोरीन इज ए पावरफुल अट्रैक्टिवली पावर रखता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाली। तो क्लोरीन अपनी तरफ नहीं 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 पी बोला, पी ब्लॉक आपके सिलेबस से कट गया मेन से, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर सिलेबस से कट चुका है, हाँ डिलीट हो गया, यश जो बोल रहा है राइट, तो वो हम क्यों करवाएंगे, यस ठीक है सलगी बेटा। ओके तो देखो, है ना, तो देखिए HCl है, HCl में क्लोरीन पावरफुल मोली आइटम है जो कि बॉन्ड बना लेता है, कहता है कि हमारा भाईचारा है, लेकिन ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला गया, जिससे क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव आ गया। तो देखो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल बन रहा है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है भाई, पोलर और नॉन पोलर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों भाई भाई, दोनों एक जैसे भाई, दोनों की पावर सेम, तो ये क्या है, इस पे कोई पोल, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव कुछ नहीं बनता, इस पे कोई पोल नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। क्लियर है, तो सेम एटम अगर हो, क्लोरीन क्लोरीन के साथ कर रहा है, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरह के सेम एटम्स नॉन पोलर होते हैं। और अगर डिफरेंट एटम्स हैं जनरली वो पोलर होते हैं, डिफरेंट एटम्स बहुत रेयर होते हैं जिनमें पोलैरिटी नहीं होती। जैसे हम मानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है ये होता तो पोलर है, इस पे होना चाहिए स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे होना चाहिए स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन ये स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव इतना कम होता है कि हम मान लेते हैं कि ये नॉन पोलर है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को नॉन पोलर माना जाता है, ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर, माना जाता है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर, ये बात खत्म। क्लियर है सबको? यस सर। अब याद रहेगा माधव बेटा, याद रहेगा ना, पोलर मतलब डाइपोल, जिसमें स्लाइटली नेगेटिव दो पोल बनते हैं वो पोलर होता है, जिसमें नहीं बनते वो नॉन पोलर है। और बहुत से मॉलिक्यूल जो सेम होते हैं वो तो हमेशा नॉन पोलर है, जो डिफरेंट है वो पोलर होते हैं। बट CH कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नॉन पोलर माना जाता है, हालांकि ये पोलर है लेकिन वो बहुत रेयरली बहुत लाइटली पोलर है, छोटा सा पोलर, इसलिए इसको नॉन पोलर कह सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो देखो भाई वुड्स रिएक्शन तक याद करना है, नोट्स में भेज दूंगा, आपने अभी लिख भी लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है, और सिर्फ याद रख लेना, थोड़ा सा काम किया है याद करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सबसे याद चाहिए, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, एक बार याद करोगे ना तीन लेक्चर इसके निकाल लो, तीन लेक्चर ढंग से याद कर लो, आगे वाली रिएक्शन तो बड़ी आसान लगेगी। और आपको ऐसा लगेगा ऑर्गेनिक तो बड़ी ही आसान है, बस इतनी सी बात मान लो, ठीक है। चलो भाई अब किसी को